शासकीय स्नातक महाविद्यालय बिछिया में छात्र छात्राओं की मांग के बाद बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य किया जा रहा है। बता दें कि यह निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा 18.59 लाख की लागत से किए जाने वाले निर्माण कार्य में अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार मनमाना काम कर रहा है, तो वहीं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा निर्माण कार्य की जांच की मांग की जा रही है। इस वजह से थोड़ा होता है जमीन बाउंड्री वाल को तोड़वा के नई बाउंड्री वाल का निर्माण हो रहा है, लेकिन जिस पर एस्टिमेट के आधार पर कोई काम नहीं किया जा रहा है और जो मटेरियल है वो भी घटिया क्वालिटी का यूज किया जा रहा है। तो अभी आप लोगों ने इसका निरीक्षण किया, क्या क्या समझ में आया? अभी सब प्रचार सर के साथ हम लोग सब लोग निरीक्षण करने आए, तब देखें कि यहाँ पे बाउंड्री को तोड़ा नहीं गया पुरानी बाउंड्री को और उसी के किनारे से दूसरी यानी कि उसी के किनारे से नई बाउंड्री जोड़ रहे हैं। इस वजह से थोड़ा क्या है जमीन पड़ लगा अब खबरें उत्तर प्रदेश से। पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही लगातार वृद्धि के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ताज नगरी आगरा में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि जल्द पेट्रोलियम पदार्थों में को सस्ता किया जाए ताकि आम जनता को महंगाई का सामना न करना पड़े। साथ ही इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए केंद्र सरकार को उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि दाम अगर कम नहीं हुए तो पार्टी के कार्यकर्ता